च इन्ना जोर नहीं कि सिफत करा मैं मेरी कलम च इन्ना जोर नहीं दुनिया ते भावे लख रिश्ते पर मां जिहा रिश्ता कोई होर नहीं अपनी मम्मा के लिए जोरदार तालियां आज के ओकेजन को इतना खास बना दे इतना प्यारा बना दे कि मां का बनाकर खुदा भी बेरोजगार हो गया हो जब माँ की अहमियत खुदा को पता लगी तो उसने कहा कि मेरा यहाँ काम खत्म हो गया क्योंकि जन्म दे के कर्म बनाने वाली भी माँ है और बच्चों को आगे बढ़ाने वाली भी माँ है कैसे मदर टीचर वो भी आपकी मदर है मदर ही सेकंड टीचर टीचर ही सेकंड मदर तो माँ का रोल कहीं भी खत्म नहीं होता चाहे वो आपके बचपन में है चाहे वो आपकी जवानी में है चाहे वो आपके बुढ़ापे में है माँ को हर वक्त दर्द होता है कि आजकल घर से निकलते हुए किसी का काम नहीं बनता है आजकल घर से निकलते हुए किसी का काम नहीं बनता है क्योंकि कोई माँ के पाँव छूकर नहीं चलता है जिसने छू लिया माँ के पाँव को उसने दुनिया की सारी खुशियों को झोली में पा लिया है कहते हैं कि माँ की लग गई दुआ तो आसमान को छू जाएगा अगर लग गई इसकी बद्दुआ तो सब कुछ बना हो जाएगा ये तालियों की गड़गड़ाहट आपकी मम्मा के लिए है हमारे एनएएस स्कूल के लिए है जिन्होंने आपको हर एक कल्चर से जोड़ा हुआ है स्पेशल थैंक्स टू एनएएस स्कूल जो आप लोगों को भविष्य में हर एक चीज की जानकारी देते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर एक ओकेजन का क्या महत्व होता है लेकिन इस ओकेजन का कोई महत्व नहीं क्योंकि ये ओकेजन ही माँ ने बनाया फिर से जोरदार तालियां अपनी माँ के लिए कि माँ तो जन्नत का फूल है माँ तो जन्नत का फूल है लोगों को प्यार करना फजूल है माँ का दिल दुखाना बंदे तेरी भूल है घर माँ की दुआओं से आगे बढ़ जाएगा क्योंकि माँ के कदमों में जन्नत की धूल है फिर से जोरदार तालियां अपनी मम्मा के लिए क्या बात है इसी प्रोग्राम को आगाज देते हुए एनएएसएस की टीम ने बहुत ही जानदार परफॉर्मेंस जो बहुत ही कम समय में रेडी की है उसके लिए भी मैं चाहूंगी कि आप लोग जितने हमारे मंथ में 12 महीनों में हमारे प्रोग्राम्स होते हैं कहना बहुत आसान होता है कि ये प्रोग्राम आगे लेकिन आप लोगों की ना तो स्टडी में कहीं कमी आती है आई एम राइट स्टूडेंट जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ आप लोगों की वो तालियों की गड़गड़ाहट साथ में आनी चाहिए कि ओकेजन के अकॉर्डिंग आप लोगों का हर प्रोग्राम जो है वो रेडी होता है और आपकी स्टडी भी नंबर वन है ये सारा क्रेडिट जाता है हमारे एनएस स्कूल को जोरदार तालियां अपने एनएस स्कूल के लिए क्या बात है पता लगना चाहिए कि एनएस उसके मदर्स डे का जो प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज हुआ है क्योंकि क्या बात है क्या बात है बहुत ही कम समय में हमारे अनदर स्कूलों में बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं बहुत बड़े बड़े वो बहुत कुछ मतलब सोच रहे हैं लेकिन यहाँ जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है तो मेरी जो सोल से जो मेरी ब्लेसिंग्स आती है आप लोगों के लिए क्योंकि यू आर स्टार ऑफ एनएएसएस स्कूल अपने लिए तालियां क्या बात अब मैं अपने को एंकर मिसिंग मीना सानी को कहूंगी कि प्रोग्राम को आगाज दे थैंक यू निशा मैम Now, I would like to invite our honorable principal ma'am. Principal ma'am, please come forward. Good morning to all of you. I am also a mother. I am your mothers too. As you all know, all the teachers are mother like mothers. And I wish all of you a very very happy and prosperous Mother's Day. माँ की महिमा का बखान मैं क्या करूँ मेरे पास तो शब्द ही नहीं है माँ की महिमा का व्याख्यान करने के लिए कोई शब्द पैदा ही नहीं हुए हैं किन शब्दों में मैं माँ की महिमा का व्याख्यान करूँ How can I explain the glory of mother? मदर की ग्लोरी को मदर की शान की व्याख्या करना किसी के भी दुनिया में किसी के भी बस की बात नहीं फिर भी मैं कुछ शब्दों में मदर्स को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और जिनकी मदर्स नहीं हैं उनके लिए मेरी शुभ श्रद्धांजलि सबसे पहले मैं शुरुआत संस्कृत के एक श्लोक से करूंगी या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः क्या मतलब हुआ या देवी सर्वभूतेषु इसका मतलब हुआ कि जितनी भी मदर्स इस दुनिया में हैं
चाहे वो ह्यूमन बींग्स की हैं, एनिमल्स की हैं, बर्ड्स की हैं, एनी क्रिएचर्स, इवन हमारी धरती माँ, जो हम जैसे पापियों का बोझ अपने वक्ष स्थल पर झेलती हुई फिर भी हमें अपने सीने से अपने वक्ष से लगाती है। मैं सभी माताओं का, चाहे वो किसी भी योनि से हैं, उन सभी को मैं दिल से नमन करती हूँ। अब आप बोलेंगे कि एनिमल्स की मदर्स या बर्ड्स की मदर्स का क्या यूज है, मदर इज ऑलवेज ए मदर, चाहे वो ह्यूमन बींग्स की हो, चाहे एनिमल्स की हो, चाहे बर्ड्स की हो, चाहे क्रिएचर्स की हो। पक्षियों की जो माताएं होती हैं वो जब तक पक्षी उड़ने लायक नहीं होते उन्हें अपनी चोंच से दाना पानी ला ला कर अपनी चोंच से उन्हें खिलाती हैं, उनका भरण पोषण करती हैं, जिस भी चीज की उन्हें रिक्वायरमेंट होती है। दिस इज ए गॉड गिफ्ट। बच्चा जब पैदा होता है तो वो कुछ खा पी नहीं सकता, एक इंसान की माँ, एक जानवर की माँ अपने खून से उसे सींचती है। जो मदर का जो मिल्क होता है वो खून का परिवर्तित रूप होता है। हम सब अपनी माँ का खून दूध के रूप में पी पी कर बड़े हुए हैं, और हम उस माँ का कर्ज पूरी जिंदगी में हम चाहे कुछ भी बन जाए कभी भी नहीं चुका सकते। हर बच्चे को एक उम्र के बाद जब वो थोड़ा सेटल हो जाता है उसे अपने माँ बाप से हमेशा, मम्मी से खासकर शिकायतें होती हैं कि मम्मी ये बोलती है, मम्मी वो बोलती है, हमें ये परेशानी है। उसे ये नहीं पता कि माँ ने अपने अनुभव किस तरह से, माँ के अनुभव क्या हैं। वो ये चाहती है कि मेरे बच्चे को एक जरा सी भी गर्म हवा, तपती हुई लू, उसको वो लू के थपेड़ों में ना पड़े, उसे जरा सी भी गर्म हवा ना लगे। एक माँ की महिमा का व्याख्यान मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकती माँ के लिए। एक माँ ही है जो 9 महीने तक अपने पेट में, अपने उदर में 9 महीने तक बच्चे को रखकर उसका भरण पोषण सिंचन जिस तरह से करती है वो एक माँ ही जान सकती है। और माँ और बच्चे का जो संबंध है वो ता उम्र कभी खत्म नहीं होता। बच्चे यदि हजारों मील दूर भी हैं, कुछ भावनाएं माँ की ऐसी जुड़ी होती हैं, यदि बच्चा हजारों मील दूर भी है, यदि किसी परेशानी में है तो माँ को तुरंत ही एहसास हो जाएगा, बैठे बैठे ही माँ की आंखों में आंसू निकल आएंगे। और बच्चा भी इतनी दूर बैठे अगर किसी शारीरिक समस्या से या कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो उसके मुँह से निकलेगा हाय माँ। और यदि कोई भौतिक समस्या है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो हमेशा बोलेगा बाप रे बाप। माँ और बाप दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर दोनों ही सुचारू रूप से चले तो कोई भी बच्चा इस दुनिया में बेचारा नहीं है। वो सर्वगुण संपन्न है, जिसके माँ बाप हैं उसके पास पूरी दुनिया की धन संपदा है, वो किसी भी हाइट को अचीव कर सकता है। अब मैं कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, कुछ थोड़े ही शब्दों में, कुछ लाइनों में मैं कुछ बातें बोलना चाहूँगी। Epitome of love, care, sport and is the biggest warrior. क्या मतलब हुआ इसका कि एक माँ किसी भी बच्चे के लिए सबसे बड़ी सपोर्ट, एक सहारा, उसकी भली भांति केयर करने वाली और सबसे बड़ी योद्धा होती है। बच्चे को मजाल कुछ हो जाए और माँ एकदम झांसी की रानी बनकर लोगों से लड़ने भिड़ने को तैयार हो जाती है, वो एक माँ ही होती है और दुनिया की कोई शय हो ही नहीं सकती। सेकेंड पॉइंट इज मदर इज द फर्स्ट टीचर हु टीचेस यू टू वॉक, ईट, राइट, स्पीक एंड लर्न। माँ ही है जो एक बच्चे को सबसे पहले चलना, खाना, लिखना, बोलना, ये सब कुछ सिखाती है। यू नो, ये जो मदर्स डे है ये हम आज के दिन मनाते हैं। आज के दिन मतलब कोई डेट इज नॉट फिक्स्ड, दिस इज ऑलवेज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मई ऑन सेकेंड संडे। इट इज ऑलवेज सेलिब्रेटेड ऑन सेकेंड संडे एवरी ईयर इन दिस मंथ। यही वो दिन है जब हम अपनी माँ को स्पेशल सम्मान देते हैं, जिनकी मदर्स नहीं हैं उनको श्रद्धांजलि देते हैं कि उनकी वजह से हम इस दुनिया में आए, इस दुनिया को जी रहे हैं और देख रहे हैं। मेरी तरफ से सभी माताओं को श्रद्धा सुमन।
माँ ही होती है जो हमेशा एक बच्चे के लिए सपोर्ट का काम करती है, सहारे का काम करती है। यदि किसी बच्चे के लिए, किसी कैरियर के लिए या कहीं जाने के लिए, अब्रॉड भेजने के लिए मना करते हैं, तो वही माँ एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती है कि नहीं, आगे सुखद भविष्य के लिए वी हैव टू टेक सम डिसीजन, चाहे उसके लिए उसे अपना सब कुछ बेचना पड़े, मगर बच्चे के भविष्य के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को किसी भी वक्त तैयार हो जाती है। पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है, हम इस बात को भी मानते हैं, मगर कई बार पिता प्रैक्टिकली सोचते हैं, मगर मदर जो होती है वो हमेशा इमोशनल वे में ही सोचती है, और इमोशनली वो अपने बच्चे को किन हाइट्स तक पहुंचाती है, नोबडी नोज इट। लास्ट में मैं यही कहूंगी कि जो मदर है वो एक पवित्र आत्मा है, इतनी पवित्र आत्मा कि भगवान ने भी जब माँ को बनाया तो वो आज बैठकर इस बात पर गर्व कर रहे हैं कि मैंने एक माँ का सृजन करके कोई गलती नहीं की। भगवान ने भी एक बच्चे का रूप लेने के लिए बार बार धरती पर अवतरण लिया, कितनी माओं का प्यार पाया, कौशल्या का, कैकेयी का, इधर से यशोदा का, देवकी का प्यार पाने के लिए उन्होंने भी धरती पर जन्म लिया और माँ का प्यार पाकर वो सरोबार हुए। अब मैं संस्कृत के श्लोक के साथ अपने इस स्पीच को यही विराम देना चाहूंगी। नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गति, नास्ति मातृ समम त्राणम, नास्ति मातृ समा प्रपा। इसका मतलब हुआ, देयर इज नो शैडो लाइक मदर, नो शेल्टर लाइक मदर, नो प्रोटेक्टर लाइक मदर, और नो बॉडी इज बोर्न लाइक ए मदर इन दिस वर्ल्ड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी मदर्स डे वंस अगेन। हियर टू प्रेजेंट अ स्पीच ऑन मदर्स डे। ग्रोइंग अप एवरी चाइल्ड नीड्स अ मदर हु अंडरस्टैंड्स देम एंड लव्स देम अनकंडीशनली। The natural bond between the child and the mother is a result of the nourishment and care she offers her child. She is the one who bears her child inside for 9 whole months. She endures all the pain and sacrifices her body to make a new life. Thus, it is the least that we can do. Celebrate this phenomenal character is to celebrate Mother's Day. It takes place on the second Sunday of May. Thank you and happy Mother's Day. Good morning to all of you. Myself Mansi from Boston. Today I would like to share 4 words on mother. Your presence has been like a warm ray of sun in the stormy weather in my life. You have been my pillow of strength throughout. Thanks Ma for always believing me and holding my hand in testing times. Words cannot fully describe how I truly feel the bond that we share in a very big deal. Thank you for showing me what it means to be a strong. You have given me the confidence to shine my own. Happy Mother's Day. Thank you. Have a nice day. Yes, he shared a view to her view, his views on mothers. Good morning to all of you. My name is Vandeep Singh from 10th B. रोंदे वेख शरीक भी बूहे ढो लेंदे, बिन मावां तो कां भी टुकड़े खो लेंदे, मावां वालियां थावां नहीं कोई लै सकदा, उतले मनों तां पुत्रा हर कोई कह सकदा, मां दा दिल ही पुत दे अवगुण जर सकदा, मावां वांगू कौन माफ है कर सकदा, मावां वांगू कौन माफ है कर सकदा, नदी नैणा चों हंजुआ दी फिर वगदी है, मावां बाजो दुनिया सुनी लगदी है, वे लोगों मावां बाजो दुनिया सुनी लगदी है, खुद भुखा कट कट के पुत्र रजौंदी है, खुद
ਦੇ ਭੁੱਖਾ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਰਜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫੱਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਨ ਤੇ ਸੂਟ ਹੜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਸ਼ਾਇਰਾ ਰੱਬ ਆਖਿਆ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਈਓ ਸ਼ਾਇਰਾ ਰੱਬ ਆਖਿਆ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਲੱਭ ਨਾ ਸਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰੇ, ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਜ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਸਾਇਓ ਨਾ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੜਫਾਇਓ ਨਾ। ਵੇ ਲੋਕੋ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੜਫਾਇਓ ਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ, ਹੈਪੀ ਮਦਰਸ ਡੇ।
मुझे तो मेरी मम्मी टीवी नहीं देखने देती है, एक मिनट फोन भी उठा लो सब मेरे दुश्मन। यहाँ मत खेलो, वहाँ मत खेलो, इधर मत खेलो, उधर मत खेलो, आखिर खेले तो खेले कहाँ? बस उन्हें तो सारा दिन पढ़ाई से मतलब है, हमसे तो कोई मतलब ही नहीं है। हम सब ने डिसाइड कर लिया है हम उनके साथ नहीं रहेंगे। ये दोनों पता नहीं कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई, आ जाने दो इनको, दो तो थप्पड़ लगा के सेट कर दूंगी। कहाँ रह गई थी तुम दोनों, अभी तक क्यों नहीं आई थी? क्या है मम्मा आपका रोज गौ रखा है, जब देखे हो हम तो डांटते रहते हो, हमें आपके साथ नहीं रहना है, हम आपसे तक बात करते हैं। पता नहीं कहाँ रह गई, सुबह से गायब है, उसने कुछ खाया भी होगा नहीं। आ गई तू, कहाँ थी? क्या मम्मा मेरी इतनी चिंता मत किया करो, मैं आपसे परेशान हो गया, आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत किया। ये मिस्टी पता नहीं कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई, इसका सारा सामान ऐसे ही फैला पड़ा हुआ है, ना तो ये सही कोई ठिकाने पे होता है सामान। कहाँ रह गई तू, तेरा सारा सामान ऐसे ही पड़ा है। हजारों दीपक चाहिए आरती सजाने के लिए।
हजारों फूल चाहिए माला बनाने के लिए, लेकिन माँ ही एक ऐसी वो है जो बच्चों का जीवन स्वर्ग बना देती है। हैप्पी मदर्स डे। दिलहरी है माँ। माँ मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। मैंने और सुनीता ने शादी करने का फैसला कर लिया है। भगवान तुम दोनों को खुश रखे। आज ही सुनीता को दे देना। वो क्या है बेटा? गिलहरी है माँ। शादी के बाद सुनीता और मैं साथ साथ रहेंगे। तुम तो जानती हो ना माँ, ये शहर कितना महंगा है। मेरा और तुम्हारा गुजारा तो कैसे भी हो जाता है, पर सुनीता के आने के बाद शायद इसलिए हम चाहते हैं कि वो क्या है बेटा? गिलहरी। देखो माँ बुरा मत मानना, क्योंकि बहुत सोचने के बाद मैंने और सुनीता ने यह तय कर लिया है। शादी के बाद हम तुम्हें साथ नहीं रख पाएंगे। हमने आपके लिए वृद्धाश्रम में रहने की व्यवस्था कर दी है। वो क्या है बेटा? कितनी बार बताऊं कि वो गिलहरी है? वो गिलहरी। कितनी बार समझाऊं, क्यों समझ में नहीं आता है तुम्हें? अब कहां जा रही हो तुम? तारीख 15 अप्रैल 1975। आज मेरा बेटा। थोड़ा जोर से पढ़ो। आज मेरा बेटा 3 साल का हो गया। मैं उसे घुमाने के लिए पार्क में ले गई। हम बैठे हुए थे और अचानक एक गिलहरी
एक गिलहरी हमारे सामने आकर खेलने लगी। मेरे बेटे ने मुझे 21 बार पूछा वो क्या है, और मैंने 21 बार जवाब दिया कि वो बेटा। तो
ठीक है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, और मैं बिजी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। अब नया शहर, नए लोग, नए दोस्त बनने लगे। अपनी माँ की हर एक बात मुझे बचपना लगने लगी। उनकी हर एक रोक टोक से मुझे चिढ़ होने लगी। बड़ा जो हो गया था, कमाने जो लगा था, पैसे जो आने लगे थे, क्या जरूरत है मेरी माँ को, ये सोच अब मेरे दिमाग में पलने लगी थी। अब मैं उनसे हिसाब मांगने लगा, उन्हें उंगलियां दिखाने लगा, उन्हें उंगलियां दिखा उन पे इल्जाम लगाने लगा। लेकिन माँ होता क्या करूं, अपना हाल दिल कैसे बयां करूं। मेरी आंखों का तारा है और मुझे ही आंखें दिखाता है। सिखाया बोलना जिसे, वही अब चुप रहना सिखाता है। सुला कर सोती थी जिसे, वही अब रात भर जगाता है। जिसे गिनती सिखाई मैंने, वही अब मेरी गलतियां गिनाता है। मेरी उंगली थाम के चलना सीखा, पर अब मेरे साथ चलना उसे पसंद नहीं। जिसे अपनी हर खुशी दे दी, वही अब हर गम से मिलाता है। मेरा दिल हारा है, क्या करूं, मां हूं ना, और वही मेरी आंखों का तारा है। अब घड़ी का कांटा फिर से पलट चुका था। अब नया शहर मुझे काटने को दौड़ रहा था। काम से थका मारा आता, खुद ही पकाता, खुद ही खाता, खुद ही गिरता, खुद ही उठता, खुद ही समझता। अब माँ की कदर समझ आने लगी और बचपन की याद फिर से सताने लगी। मैम की तरफ से मैं ही कह देती हूँ कि कुछ चीजें, किसी का दर्द हंसी में छुपा होता है तो किसी का दर्द बातों में छुपा होता है। मैं वो शख्सियत है जिनकी हर एक बात में दर्द छुपा होता है, तो जोरदार तालियां हमारे एमपी मैम के लिए, क्योंकि उनकी हर एक बात का कोई ना कोई मीनिंग होता है, हम लोगों के लिए मोटिवेशनल रोल होता है एवरी टाइम। सो मैं हैट्स ऑफ करती हूँ अपने रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम एंड एमपी मैम को। जोरदार तालियां हमारे एमडी सर के लिए, एवरी टाइम उनके जो शब्द हैं हम लोगों को इंस्पायर करते हैं आगे बढ़ने की, बहुत सहायता करते हैं। आज का जो दो लाइनों से सर विराम देना है, बड़ी ही बेसब्री से आपका इंतजार हो रहा है। जोरदार तालियां एमडी सर के लिए। अनुसार जरूर करें। मदर जो है हमेशा बच्चे का ही पक्ष लेती है और बच्चे के ही फेवर में बात करती है और बच्चे के भविष्य के लिए ही सोचती है। तो मैं आप सबको ज़्यादा ना कुछ कहते हुए यही कहूँगा कि आप इस डे के उपलक्ष्य में एक प्रण लें कि हम अपने बुजुर्गों का, माता का और पिता का, दोनों का क्या मानते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। क्या बात है सर के दो शब्दों ने हमें सब कुछ समझा दिया। वंस अगेन
जोरदार तालियां एमडी सर के लिए। एंजॉय किया फुल? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।